बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव से पहले हरियाणा में बीजेपी का कुनबा बढ़ा, कई नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। सीएम नायब सैनी ने ये ज्वाइनिंग करवाई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सभी का बीजेपी में स्वागत, ये सीएम ने कहा, और सभी नेताओं को पूरा सम्मान मिलेगा। सीएम नायब सैनी ये बातें कहते हुए नजर आए। सीएम नायब सैनी ने फिर से जीत का दावा भी किया है। उन्होंने कहा कि 4 अक्टूबर को फिर से कमल खिलेगा हरियाणा में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी जारी है, और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी में कई नेताओं की ज्वाइनिंग हुई है, और उन सभी का स्वागत किया सीएम नायब सैनी ने, और सभी नेताओं को ये भी कहा कि सबको पूरा सम्मान मिलेगा पार्टी में, और साथ ही साथ 4 अक्टूबर को एक बार फिर से हरियाणा में कमल खिलने का दावा भी सीएम नायब सैनी करते हुए नजर आए। तीसरी बार जीत का दावा उन्होंने किया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम नायब सैनी ने ज्वाइनिंग करवाई है नेताओं को, क्या कुछ कहा इस मौके पर उन्होंने वो भी आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करने के लिए आज पूरे साथियों के साथ आज ज्वाइन किया है। मैं नैर सिंह पटाक माजरा का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। आप सब इतनी मात्रा में ज्वाइन किया है, आप सबका भी मैं आज भारतीय जनता पार्टी का परिवार बड़ा हुआ है। आज आप सबको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। लगातार ये पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर आज एक वातावरण बना है, आज एक माहौल बना है, और वो वातावरण माहौल जो बना है कि 4 अक्टूबर को जब रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल का फूल खिला करके तीसरी बार सरकार बनाएगी। मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। आप सबका स्वागत करते हुए अब मेरा हौसला भी बढ़ रहा है, मेरी ताकत भी बढ़ रही है। इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं।